बैक टू माई चैनल मिस मैजिक। तो आज का टॉपिक होने वाला है कुछ अलग, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मेरे पास जो बहुत सारा साड़ीज का कलेक्शन है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये जो साड़ीज मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन हो, अगर आपको कहीं पे भी जाना हो, तो ये मस्ट हैव साड़ीज है, जो कि मिनिमम बेसिक्स ही है जो आपके पास रहनी चाहिए हर हर गर्ल के पास, हर औरत के पास, हर वुमन के पास, जो कि किसी भी ओकेजन के टाइम में वो पहन के जा सके। तो ऐसी कुछ थोड़ी सी साड़ियाँ है जो मैंने मेरा कलेक्शन है वो मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादा नहीं है, तो 5 या 6 साड़ी के वराइटीज़ है मेरे पास। विदाउट एनी फर्दर अडू हम वीडियो को अब स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट साड़ी मैं आपको शो करूंगी, तो दिस इज द फर्स्ट साड़ी, ये देखो, ये है जॉर्जेट मटेरियल में, बेसिक सी सिंपल सी साड़ी है, ये बहुत अच्छी है, डार्क ब्लू कलर में आती है, नेवी ब्लू कलर में है ये, कोई भी इसके ऊपर हेवी वर्क उन्होंने नहीं दिया हुआ है, ये देखो ऐसी है, सिर्फ प्लेन है सब कुछ इसका जो है वो, देखो आप, एक मिनट में आपको अच्छे से ओपन करके दिखाऊंगी, ये देखो ऐसे पूरी प्लेन साड़ी है, पूरी प्लेन, इसका पल्लू भी पूरा प्लेन है, बस उन्होंने यहाँ पे ये जो लेस वर्क दिया है ना, ये देखो ये लेस है, और पल्लू के साइड के ऊपर थोड़ी सी अलग सी है, ये देखो ये है, ऐसी लेस है गोल्डन कलर की उन्होंने लगाई हुई, इस लेस की वजह से ना ये साड़ी, ये जो लेस है ना, ये दोनों इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, इसकी वजह से ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने बहुत टाइम पहले ली है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रिसीव हुई थी मुझे उस टाइम, और हाँ ये साड़ी मैंने ऑनलाइन खरीदी थी, कोई वेबसाइट कोई होगी वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये साड़ी मैंने ऑनलाइन खरीदी है। आप देख सकते हो इस साड़ी का, जब आप इसे पहनते हो ना तो इसका लुक बहुत अच्छे से बनकर आता है, क्योंकि प्लेन है और सिर्फ लेस वर्क से ये साड़ी भाव खा के जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, और ये मेरी बहुत फेवरेट भी है। यस, तो सेकेंड वन इज, ये है सैटिन की साड़ी जो अभी मैंने वेयर की हुई है, बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, और हाँ ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जरूर दूंगी। तो ये देखो ये है सैटिन की, ग्रीन कलर में मैंने ये ऑर्डर की थी, पूरी साड़ी प्लेन थी, इसके ऊपर कोई भी लेस वर्क वगैरह नहीं था, ये जो आप लेस देख रहे हो ना ये मैंने अलग से अटैच की हुई है पूरे साड़ी के ऊपर, और ये उसका ब्लाउज है, पिंक कलर में आया था, और ब्लाउज के ऊपर भी मैंने उसकी जो यहाँ पे लेस लगा है ना वो यहाँ पे भी लगा के ली है। तो ये साड़ी अभी बहुत अच्छी लगती है, लाइट वेट है, आप कहीं पर भी जा रहे हो, अगर अच्छा सा कोई फंक्शन है, पार्टी वेयर में, पार्टी में भी आप जब जा रहे हो ना, तब भी ये साड़ी पहन के आराम से जा सकते हो। देन ये भी मेरी सेकेंड वन थी ऑनलाइन परचेस। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी साड़ी दिखाने वाली हूँ जो कि हम सबके पास रहनी ही चाहिए। तो ये देखो ये है वो साड़ी, इसे बोलते हैं पैठणी हमारे महाराष्ट्र में, तो ये है ये पैठणी, आप देख सकते हो इसका पल्लू जो है ना वो बहुत खास है, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी इसे, ये देखो ये है इसका पल्लू, पल्लू जो है ना इसके ऊपर सारे मोर बने हुए हैं, और पैठणी साड़ी जो होती है ना इसकी यही खासियत होती है कि इसके साड़ी के पल्लू के ऊपर मोर रहते हैं। तो पूरे साड़ी का कलर आप देख सकते हो बहुत अच्छा कलर है, और रेड कलर के इसके जो है वो लेस वर्क उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। साड़ी मेरी बहुत फेवरेट है, प्योर पैठणी नहीं है, हाँ मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, यहाँ पे प्योर पैठणी नहीं है, सेमी पैठणी करके आती है ना, वो इसी उसी कैटेगरी में से है जो ये मैंने ली है शॉप में से ली है। तो आप देख सकते हो इसे, मैं सभी के जो पिक्चर्स है वो आपको शेयर करूंगी, आप वो देख लेना हो। और ये थी मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट साड़ी, और जो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ना वो भी बहुत थोड़ी एक्सपेंसिव है वो, तो ये मैंने ली थी, शादी थी हमारे घर में उसी टाइम मैंने साड़ी ली थी, ये देखो ये साड़ी ना थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी, ये है ये ग्रीन और पिंक ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन, हाँ इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत अच्छा आपको लगेगा, मैं आपको दिखा, ये देखो ये ऐसे है ये साड़ी,
जो हम प्लेट्स बनाते हैं ना साड़ी के, उसके यहाँ ये जो डिजाइन बनती है ना, सॉरी ये, हाँ ये जो डिजाइन बनती है ना ये वाली, ये वहां पे आएगी। और अदरवाइज बाकी ये जो पिंक कलर का है वो साइड में आएगा। तो एक मिनट में पूरा ओपन करूंगी पहले। ये देखो, ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर की, आप जहाँ पे साड़ी के प्लेट्स बनाते हो वहां पे वो डिजाइन आएगी। और इसका ये पल्लू ऐसा है। ये है ऐसा इसका पल्लू है। तो ये ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन मुझे कुछ अलग लगा, कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने ये साड़ी खरीदी है। एक आपके घर में अगर कोई शादी हो या कोई दिवाली का फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो जिसमें बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो ये ट्रेडिशनल वेयर के लिए साड़ी बहुत अच्छी है। आप इसे ट्रेडिशनल लुक अच्छा सा क्रिएट कर सकते हो। अनादर वन इज, ये मेरे पास एक कॉटन की साड़ी है। कॉटन की साड़ी जो होती है ना वो पहनने के बाद बहुत रिच लुक देती है, इसलिए मैंने ये दिवाली के टाइम, दिवाली के लिए मैंने ये साड़ी मेरे लिए ली थी। आप देख सकते हो डार्क मरून कलर में ये है ये, और इसके ऊपर ये जो उन्होंने डिजाइन दी हुई है ना ऐसे पैच वर्क या लेस वर्क आप बोल सकते हो इससे, ये देखो ये, इसकी वजह से ये मुझे कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगा है। ये ऐसा रोज गोल्ड कलर कलर में ये इसके ऊपर डिजाइन बनी हुई है। तो ये है कॉटन की साड़ी, और ये साड़ी जो है ना वो बहुत लाइट वेट रहती है। आप जब इसे पहनते हो, वेयर करते हो तब, और ये पहनने के बाद रिच लुक आपको देती है। तो ऐसी साड़ीज आपके वार्डरोब में होनी चाहिए, ऐसी कॉटन की एक तो साड़ी होनी ही चाहिए। तो हमारे लिस्ट में लास्ट वाली जो साड़ी है उसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि ये देखो आपके वार्डरोब में एक तो पार्टी वेयर साड़ी होनी ही चाहिए। तो ये है मेरी पार्टी वेयर लुक की साड़ी, ये देख सकते हो आप। थोड़ी सी हेवी है क्योंकि इसका इसके ऊपर ये जो वर्क किया हुआ है ना इसकी वजह से है, लगती है वो थोड़ी सी हेवी। पूरा इसका जो येलो कलर है, येलो कलर का कलर के ऊपर उन्होंने ये सिल्वर कलर में डिजाइन बनाई हुई है। तो ये मेरी साड़ी बहुत फेवरेट है, क्योंकि अगर पार्टी हो, नाइट पार्टी, तो उसी टाइम जब आप ये साड़ी, ऐसे साड़ीज पहनोगे ना, पार्टी वियर स्पेशली से बोला जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छा लुक दे सकती है। ये देखो सभी साड़ी के ऊपर ऐसे ही डिजाइन्स बनी हुई हैं, कोई अलग नहीं है, सभी के ऊपर ऐसी है, पूरी साड़ी के ऊपर आपको ये दिखाई देगी डिजाइन्स ऐसे पूरी। मैं आपको ओपन करके एक बार दिखाऊं, इससे नीचे की तरफ जो है ना, नीचे की तरफ ये फूल्स फ्लावर्स बने हुए हैं, ये देख सकते हो आप इसी तरह के हैं। तो दैट्स इट, ये थे मेरे सब साड़ीज का कलेक्शन। अगर आपको इसमें से कोई साड़ी पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अगर ऐसे वीडियोस मेरे अच्छे लगते होंगे तो भी मुझे बताना, तो मैं आगे जाके आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर भी करते जाना, और ऊपर की तरफ जो भी बेल आइकॉन का बटन रहता है वो भी जरूर प्रेस करके रखना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस आपके लिए लाऊं ना तो उसकी जो नोटिफिकेशन रहती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इसीलिए